गुम है किसी के प्यार की किस एक्टर ने शो को कहा अलविदा। शक्ति अरोरा हुए इमोशनल। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में होता चला जा रहा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वहीं अब शो से आ रही है बड़ी खबर सामने और कहा जा रहा है कि एक और एक्टर ने शो को कर दिया है क्विट। अब बोला इससे पहले शो में ईशान के पापा का रोल प्ले करने वाले इंद्रनील भट्टाचार्य ने शो को कहा था अलविदा और एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था। इसके बाद अब शो से ईशान की माँ डॉक्टर ईशा भोसले का रोल प्ले करने वाली मानसी सालवी ने भी कर दिया है शो को क्विट और कह दिया है अलविदा। ऐसे में ईशान यानी कि शक्ति अरोरा हो गए इमोशनल। शेयर किया इमोशनल पोस्ट और अपनी माँ ईशा के साथ ईशान ने तस्वीर शेयर किया। शक्ति ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है आई विल मिस यू। आपको बता दें शो में ईशा और ईशान कभी साथ आ ही नहीं पाए। ईशा अपने बेटे के प्यार के लिए तरसती रही। अक्का साहेब ने जो जहर जो नफरत ईशान के मन में भरी थी उससे ईशा से ईशान हो गया था दूर। सभी ने लाख कोशिशें की इन दोनों माँ बेटों को मिलाने की लेकिन ये हो नहीं पाया और अब कहा जा रहा है कि ईशा ने भी शो छोड़ दिया है। आपको बता दें लास्ट टाइम जब शांतनु और ईशा को दिखाया गया था तो वो इंडिया से बाहर किसी सेमिनार के लिए गए थे और अब तब से वो वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में अब शो को क्विट कर दिया है मानसी और इंद्रनील ने। शो की बात करें तो इस टाइम चल रहा है शो में हाई वोल्टेज ड्रामा जहां हो गया है ईशान का बहुत बुरा एक्सीडेंट। ईशान की आंखों की रोशनी खतरे में है। ऐसे में सभी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत बड़े गिल्ट में है क्योंकि सभी से नाराज़ होकर ही ईशान ने घर छोड़ा था। इसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो सभी को खरी खोटी सुनाई अक्का साहेब ने और कहा तू तो मनहूस है और मेरे बेटे के लिए बहुत ख़राब है। अब देखना होगा आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसी तरह के दूसरे टेलीविजन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।